हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, जब संजीव महेश्वरी अपने चैनल पर बिजनेस मास्टरी की सीरीज चला रहे थे तो उसमें ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख ही व्यूज आ रहे थे। लेकिन जब से उनकी कंट्रोवर्सी विवेक बिंद्रा के संग हुई है, उसके बाद से उनके चैनल पर मिलियंस में व्यूज आना शुरू हो गया है। देख सकते हो आप, बिग स्कैम एक्सपोज से उनका कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था, जिसमें 6.6 मिलियन व्यूज, उसके बाद 4.5 मिलियन व्यूज, उसके बाद 13 मिलियन व्यूज। मतलब लोगों को सिर्फ कलेश देखने में ही मजा आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनके कंट्रोवर्सीज के ऊपर बहुत से मीम्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आज उनमें से हम कुछ मीम्स को देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। सैकड़ों लोग काम करते हैं भाई हमारे साथ, कभी जिंदगी में तनख्वाह अगले महीने की 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख नहीं होती, 31 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख का महीना हो 30 तारीख को तनख्वाह देते। भाई, आपके साथ जो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं उनका सैलरी का टेंशन है आपको, लेकिन उन स्टूडेंट, उन लोगों का क्या जो अभी तक बेरोजगार है और आपके कोर्स के चक्कर में उनके हजारों रुपए डूब गए। एक मैसेज संदीप माहेश्वरी जी के लिए। सर, आप जैसे हो वैसे ही रहना। सर, आप ना तो बिजनेस कोच हो, ना बिंद्रा जी आपके कंपटीशन थे, ना उस मैटर में घुसने के आपको कोई पर्सनल फायदा होने वाला था, लेकिन आम जनता के लिए, आपके स्टूडेंट के लिए, आपके सब्सक्राइबर के लिए आप ऐसे व्यक्ति से लड़ गए जिसके पास पैसा भी बहुत है, जिसका नाम भी बहुत है, जिसके लीगल नोटिस भेजने का भी डर है, लेकिन आपने डरे नहीं, हिम्मत दिखाई, और आपकी इस हिम्मत से बाकी सभी सब्सक्राइबर को हिम्मत मिलती है। भाई, ये बात तो सही है, संजीव महेश्वरी लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विवेक बिंद्रा के खिलाफ उसकी वाइफ के साथ मारपीट करने के मामले में हुई FIR दर्ज। लड़ाई के बाद की फुटेज आप देख सकते हैं। विवेक बिंद्रा की उसकी मां के साथ हुई बहस के बीच में आई थी वाइफ। गुस्से में आकर बिंद्रा ने वाइफ को पूरी तरह पीट दिया। मारपीट के बाद बताई विवेक बिंद्रा की वाइफ ने अपनी हालत। अब बताइए, जब ऐसी चीजें सामने आती है तो लोग आप पे विश्वास कैसे करें? ऐसी चीजें यह बताती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे आदमी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इसी को कहते हैं भाई। आप बुर्ज खलीफा से धक्का मारे ना आपको, कहाँ से? बुर्ज खलीफा के 128वें फ्लोर से। नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल जो टूरिस्ट 128 फ्लोर पे जाता है, वहाँ से धक्का मारे, नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? आई थिंक 1 मिनट में ही अंदर नीचे आ जाए। 15 सेकंड में, 20 सेकंड में नीचे गिर जाएगा, जिंदगी ओवर, चांस नहीं है बचने का। अगर कोई प्रिकॉशन, नीचे गद्दे वद्दे ना हो तो नहीं बचो, गद्दे हो तो भी बचना कब मुश्किल है, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? उसी 20 सेकंड के अंदर अंदर नीचे गिरने से पहले हवाई जहाज बनाना भी, उड़ाना भी है, वो एंटरप्रेन्योरशिप। 20 सेकंड में हवाई जहाज बने न बने, लेकिन इसकी गारंटी है कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर जो आपने इतने सालों के मेहनत में बनाया है वह जरूर गायब हो जाएंगे। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहाँ पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी, अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई MBBS नहीं किया है, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या US से, UK से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो, मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। भाई, मैं तो यही कहूंगा कि विवेक बिंद्रा जी, आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। किसने बोला था आपको पड़ी लाठी लेने के लिए? आई थी एक साल में आपने 11,000 जमा किया। 11,000 11,000 रुपए वहां ना एग्जाम देने को पहले मिलता है ना कुछ मिलता है, लेकिन पहले ही आपने फॉर्म भरने का पैसा दे दिया। यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बताओ कितना पैसा आपका ज्वाइनिंग का लगा था? ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पैसा लगता नहीं है। नहीं लगता ना? नहीं लगता है। साबक तोड़ बोलिए ना, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगता है? नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगता है। हाँ। सिर्फ पैसा, नौकरी में फॉर्म भरने का पैसा लगता है। लगता है, पैसा लगता है। कौन बेवकूफ बना रहा है बताइए? बेवकूफ तो सरकार बना रही है। बेवकूफ सरकार बना रही है। मैं उस बंदे को बताना चाहता हूँ जो सामने बोलता है कि आप फंस गए हो, मैं उसको बताना चाहता हूँ जो आज पढ़ाई कर रहा है और बाल ऐसे झड़ जा रहे हैं, बीच में से चट्टे हो जा रहे हैं, मैं उसको बताना चाहता हूँ। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के मेरे सामने बोलता है कि ये फंसने फसाने का काम है, ये ऐसा काम है, ये वैसा काम है, लाखों रुपए फॉर्म भरने में खर्चा कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कहते हैं ना जब इंसान पढ़ाई लिखाई करता है
तब समझ में आती है पढ़ाई लिखाई होती क्या है कि नहीं। अब जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री लेगा ना, तब समझ में आएगी है क्या है क्या। अभी इस हरामखोर का जोश देखकर लग रहा है कि ये नया नया ज्वाइन हुआ है, बस एक दो साल बीतने दो, उसके बाद यही जोश इसके पिछवाड़े में घुस जाएगा। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया, और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है, वो तो हमने पार्टीज में खर्च कर दिया। तो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आया। बात डांस अच्छा करते हैं, बताइए लोगों का पैसा खाकर पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी से भी पैसा, वाह। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है, इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5-10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। भाई देखो, मैं तो यही कहूंगा कि मैं संजीव महेश्वरी जी के साथ में हूं और वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों का पैसा डूबा है उनको जरूर मिलना चाहिए। आप किनके संग हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।